ना ये टंग ट्विस्टर है ना भाई ने रैपिंग शुरू करी है, ये हमारे टाइम पे एक बड़ी पॉपुलर सी धुन थी जिसको हम बड़ा शेयर किया करते थे इनोसेंट बच्चों की तरह नए नए जब मोबाइल फोन आए थे। लेकिन आज ये टू 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 पंजाबी गाना क्यों आता है, क्योंकि आज सारी चीजें जो है टू 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 की है। द वार्म अप शो ब्रॉट यू बाय पॉलिसी बाजार में सबसे पहले तो हम बात करेंगे आरसीबी की। नहीं हार सी नहीं, आरसीबी फैंस दुखी हैं यार, परेशान है, उस तरीके का क्रिकेट है। लेकिन क्या टीम के चांसेस हैं क्वालिफाई करने के अभी भी अगेंस्ट रन ऑफ प्ले, उसकी बात करते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 points हैं और एकदम बॉटम ऑफ द टेबल है। उसके बाद हम बात करेंगे टॉप 2 teams की, जहाँ पे राजस्थान के रजवाड़े हैं और साथ में कोलकाता के नाइट्स हैं, जो कि 2 points की लड़ाई में तैयार है ईडन पे। तो फिर इसके लिए भाई ने सोचा कि अपने को भी 2 versions बनाने पड़ेंगे ना। तो एक यहाँ है जो अभी बेंगलुरु मैच देख के आया है और उसका रिव्यू करने वाला है, दूसरा बैठा है ईडन मतलब कोलकाता में अपने कमरे में, जे सैप जतिन सप्रू 2 versions तो वो भी बताने वाला है, उसको थोड़ी देर के अंदर रोक के रखा है, रुक जाना भाई, हाँ आएगा। पता है आपको बेंगलुरु की आखिरी जीत आई थी लगभग 3 हफ्ते पहले, ऑलमोस्ट महीना होने को है, पिछले 5 matches हार गए हैं। द बिग क्वेश्चन इज क्या आरसीबी का सीजन यहाँ खत्म हो गया? मैथमेटिकली नो, रियलिस्टिकली यस। 7 matches बचे हैं, 7 में से 7 जीतते हैं तो 14 points पे आएंगे, 2 points जोड़ के 16 points। 16 इज वो नंबर जहां से आपकी तकदीर आपके अपने हाथ में रहती है। अब परमिटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी बैठ सकते हैं, मतलब टीम्स 14 में भी क्वालिफाई होती हैं, बट ऑनेस्टली डू यू थिंक ये टीम 7 में से 7 matches जीत पाएगी? इस समय टीम में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। वाई डू आर सी बी फाइंड देमसेल्व्स हियर? लेकिन उसके पहले क्रेडिट अगर हैदराबाद को नहीं दिया तो भी बुरा लगेगा। सो वेल डन सनराइजर्स हैदराबाद, मतलब ऐसे जहराना अंदाज में कौन खेलता है, मतलब 272 भाई, वॉट मोर डू वॉन्ट, क्या खुश नहीं थे? हाईएस्ट टोटल नेपाल ने बनाया मंगोलिया के अगेंस्ट, एंड आई लव ऑल माई फ्रेंड्स फ्रॉम नेपाल, सो वेल डन। लेकिन मंगोलिया उतना दम शायद ना हो, मैंने वो मैच नहीं देखा था, सो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन इट, बट जो क्वालिटी यहाँ पे थी अब वो तो नहीं मैच हो सकती। सो आई थिंक मेन्स T20 क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर इतनी क्वालिटी में। एंड सच्चाई ये है कि हैदराबाद ने जब 272 बनाए थे 246 खाए थे, यहाँ पे 287 बनाए, 260 से ऊपर यहाँ भी खाए, तो उनकी बॉलिंग की कमियाँ छुप रही हैं। बॉलिंग सबकी लगभग एक बराबर है, परेशानी सबकी चल रही है, लेकिन बेंगलुरु की बहुत ज्यादा है, क्योंकि बैटिंग भी ऐसे क्लिक नहीं कर रही। एंड बॉलिंग द बिग क्वेश्चन इज, ऑक्शन के बाद एक क्वेश्चन पूछा था, अब टीम ने माना हो या ना माना हो, लेकिन हमें तो लगा था कि ऑक्शन के पहले बॉलिंग लाइनअप इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस था। सो आई एम नॉट रियली सरप्राइज्ड कि बॉलिंग प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं अर्ली ऑन इनटू द टूर्नामेंट। हाँ, सरप्राइज कि इतने बड़े बड़े टोटल्स बन जाएंगे, मैं दिस इज मॉन्स्ट्रोसिटी। अब थोड़े से रन हमने वापस भी बना लिए, दिनेश कार्तिक वर्ल्ड कप हियर शोइंग द फॉर्म, विराट कोहली ने बैट घुमा लिया, फाफ ने बैट घुमा लिया, एंटरटेनमेंट थी, बट यू आर नॉट गोइंग टू विन दीज मैच, आप ये मैचेस नहीं जीतेंगे। नाउ दिस इज द हाईएस्ट टोटल फॉर अ टीम इन अ लूजिंग कॉज, बट हाउ डज इट मैटर? या गुड, द क्राउड इज एंटरटेन्ड और क्राउड एंटरटेनमेंट के लिए आएगा, लेकिन जो ऑक्शन में 3 fast bowlers को लिया था, सबकी इकोनॉमी 9, 9.5 से ऊपर की, उतना एक्सपीरियंस भी नहीं, स्पिन डिपार्टमेंट में इतने इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी उस टीम में जहाँ यूजी चहल हुआ करते थे और उसके बाद हसरंगा हुआ करते थे यार। सो लॉट ऑफ इट इज नॉट बाय चांस, बल्कि अपने थोड़े डिजाइन से। तो बेंगलुरु क्या यहाँ से वापस कर सकती है? जैसे मैंने बोला, गणित के हिसाब से बिल्कुल, सच्चाई में not really giving anyone those feelers. चल भाई जेसाब, कल की बात हो गई, अब जरा आज की भी बात कर ले ASAP. मतलब आज इतना बड़ा मुकाबला है यार, गुलाबी शहर से आई है हमारे रजवाड़ों की टोली, जो कि एकदम पॉइंट्स टेबल के टॉप पे विराजमान है भाई। क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनेगी क्या संजू की? अब सामने ईडन गार्डन्स पे अभी अभी होम ग्राउंड एडवांटेज लेना शुरू किया है कोलकाता ने, और 4 matches घर पे खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं और उसका क्या फायदा हो सकता है वो बताता हूँ, लेकिन उसके पहले ना आपके घर की बात कर लेते हैं, घर की, घर वालों की और उनके फ्यूचर की। देखिए, क्रिकेट के मैदान में 11 प्लेयर मैदान पे हैं, अगर कोई चोटिल हो जाता है तो टीम के पास बेंच पे खिलाड़ी बैठे हैं, मतलब 3 या 4 घंटे के मैच में टीम के पास प्लान भी है, तो फिर आपके पास लाइफ में प्लान भी क्यों नहीं है? मतलब खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार की देखरेख करने के लिए, उनको फाइनेंशियली उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, क्या आपके पास प्लान भी है? नहीं, अगर नहीं है ना तो प्लीज जाके अपना प्लान भी आज ही बना लीजिए पॉलिसी बाजार। देखिए, पॉलिसी बाजार पे आपको 51 से भी ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर्स मिलते हैं जिनको आप कंपेयर करके देख सकते हैं और अपने लिए जो बेस्ट है, जो आपको सूट करे, आपकी जरूरतों को, उसको आप पिक कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो ना यहाँ पे एक्स्ट्रा एजेंट कमीशन है,
ना ही यहाँ पे फ्रॉड का भी खतरा है। और उसी के साथ साथ दे ऑल्सो ऑफर 1 करोड़ कवर, 1 करोड़ का कवर सिर्फ महीने में 473 रुपए देने में। That is very economical, बहुत किफायती है। उसी के साथ साथ आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है ऑनलाइन ऑन ऑल प्रीमियम्स, और फिर 24/7 क्लेम सपोर्ट असिस्टेंस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जब आप टर्म इंश्योरेंस अगर आप देते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू सेव टैक्स अप टू 1.5 लाख रुपीज अंडर सेक्शन 80C। तो फिर अगर आप अपना प्लान भी क्रिएट करना चाहते हैं, अपने फैमिली का, अपने लव्ड वंस का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो फिर डिटेल्स जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके सारी अपनी डिटेल्स भर दीजिए, प्लान्स को कंपेयर करिए एंड चूज द वन दैट सूट्स योर फैमिली द बेस्ट। सो देर मत करिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट ये मुकाबला भी इसलिए क्योंकि कोलकाता ने पहला मैच घर पे जीता, तगड़ा जीता, लखनऊ को हराया, लखनऊ तो बैक टू बैक मैचेस हार गया। अब कोलकाता को एक ऐसी विकेट मिली उस मैच में, और वो दोपहर का मैच था जहां पे शुरुआत में मिचेल स्टार्क को मदद मिली, फॉर्म में दिखे, फॉर्म में आए, दिखे तो मतलब पिछले कुछ मैचेस में नहीं थे लेकिन फॉर्म में वापस आए। ही लुक लाइक दैट इंटरनेशनल प्लेयर जिस पे इतनी बड़ी बोली लगाई थी। हर्षित राणा को मदद मिली, बॉल में अच्छा बाउंस था, अच्छा पेस था, लेकिन फिर स्पिनर्स ने आके पकड़ बनाई। शाम का मैच है तो शायद उतनी पकड़ ना हो, लेकिन अगर कोलकाता चेस करती है ये 4 मैचेस में, दे वुड वांट टू विन ये आने वाले 4 मैचेस में भी कम से कम 3 घर पे। और इस बार की जो शेड्यूलिंग है ना, उसको शेड्यूल करना आसान नहीं है क्योंकि हर शहर की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हर स्टेट की जो फोर्सेज हैं, और एक मैच के आयोजन में बहुत कुछ लगता है। लोकल पुलिस का जो साथ चाहिए, आपको मेडिकल टीम्स का जो साथ चाहिए, इट टेक्स अ लॉट सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो उस तरीके से शेड्यूल किया गया है कि भारत में IPL खेला जाए एंड उतना ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसके चलते एज लक वुड हैव इट, कोलकाता को ये 5 मैचेस लगातार घर पे खेलने का फायदा मिल रहा है, जिससे आपको ट्रैवल नहीं करना। तो फास्ट बॉलर्स विल लव इट, प्लेयर्स विल लव इट, कोई सामान पैक नहीं करना, रिकवरी अच्छी होगी, और आप चाहेंगे कि कम से कम घर पे 5 में से 4 जीत जाएं। 1 जीत चुके हैं तो अगले 4 में से 3 जीतना चाहेंगे। मैचअप्स कौन से होंगे इंटरेस्टिंग, क्योंकि राजस्थान ने भी घर पे अच्छा किया। 1 गुजरात का मुकाबला नाक के नीचे से चुरा के ले गए राशिद खान, बट दे डिड वेल एट होम। चेन्नई को देखते हैं, 3 में से 3 मैचेस उन्होंने भी घर पे जीते, एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस कि टीम जो अपने घर पे अच्छा करती आई हैं, आप उनको टॉप में पाएंगे, पॉइंट्स टेबल के थोड़ा टॉप में पाएंगे, एंड दैट इज व्हाट यू वांट टू डू अपने होम कंडीशंस में। ईडन शाम को, दिस इज गोइंग टू बी हाई स्कोरिंग मैच। हाई स्कोरिंग इसलिए भी क्योंकि दोनों टीम में बैटर्स बहुत तगड़े हैं, लेकिन राजस्थान की बोलिंग पे जो पिछले कुछ मैचेस में हल्का हल्का सा जो प्रेशर आया ना, वांट टू सी हाउ दे रिस्पॉन्ड टू इट। अब इस मैच में कोलकाता वुड बी होपिंग कि उनकी पहले बोलिंग आए, क्योंकि फिर सुनील नारीन को अगर जो परचेज और कंट्रोल मिलता है तो फिर वो बांध सकते हैं। पिछले मुकाबले में 1 विकेट ली थी सिर्फ 13 रन देके, लेकिन यहाँ पे जरा मैचअप देखिए। सुनील नारायण के सामने जॉस बटलर 3 बार आउट हुए, सुनील नारायण के सामने संजू सैमसन 3 बार आउट हुए, और संजू की स्ट्राइक रेट आ जाती है 80 के आसपास की। तो सुनील नारायण का नाम, रेपुटेशन हुआ, और पहले अगर वो करते हैं, हल्की सी ड्राइश कंडीशन होती है और इसकी उम्मीद है, थोड़ा सा ड्राई करेंगे पिच को, थोड़ा सा रिस्क लेगी कोलकाता, खास करके राजस्थान रॉयल्स के सामने उतना भी ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि सामने चहल और अश्विन भी है। रियान पराग बहुत अच्छे दिख रहे हैं राजस्थान के खेमे में, बिकॉज ही चेंज अ फ्यू ऑफ हिज टैक्टिक्स, उतना ज़्यादा अटैक नहीं कर रहे, और पहले जब आप 5, 6, 7 पे खेलते हैं तो आते ही बड़े शॉट लगाते हैं, अब 4 पे खेल रहे हैं तो थोड़ा वक्त मिल रहा है। स्टार्ट में 2 मैचेस बहुत अच्छे फिनिश किए हैं एंड ही वुड वांट टू कैरी ऑन दैट कंसिस्टेंसी। पिछले मुकाबले में जरूर 1-2 मैचेस में थोड़ी चूक हो गई, सीधा फील्डर के हाथ में खेल बैठे, बट ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, सॉलिड प्लेयर है। कोलकाता के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनील नारायण ना सिर्फ बोलिंग कर रहे हैं लेकिन बैटिंग भी जो कर रहे हैं। अब इनके सामने जब ट्रेंट बोल्ट आएंगे ना, तब मजा आएगा, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने सिर्फ 8 बॉलें डाली सुनील नारायण को, और उन 8 बॉलों में 2 बार चलता किया है। तो फिर ट्रेंट बोल्ट, जो कि पहले ओवर में 14 बार विकेट ले चुके हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग हिम गेम को एकदम स्विंग करते हुए डंडे में या तो कोशिश करेंगे या फिर स्लिप को खेल में लाने का प्रयास करेंगे। सुनील नारायण ने तो आके बैट पूरा चलाना है, तो पहले ओवर से ये बैटल जबरदस्त शुरू हो जाएगी। दूसरे एंड पे फिल सॉल्ट, जिन्होंने 2 मैचेस खेले ईडन गार्डन्स पे, और अब कोलकाता में है तो फिर सॉल्ट तो चलता है, मतलब सॉल्ट लेक स्टेडियम ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ फिल सॉल्ट इस स्टेडियम को अपने नाम कर रहे हैं। 143 रन बना चुके हैं 2 मैचेस में एंड ही इज लुकिंग लाइक अ वेरी वेरी गुड फिट, एकदम टॉप ऑफ द ऑर्डर में। आंड्रे रसल होंगे, रिंकू होंगे, सामने हेटमायर होंगे, सामने जुरेल होंगे, हु बाय द वे नीड्स रन्स, और टॉप ऑर्डर में जयसवाल गॉट अ लिटिल बिट ऑफ अ स्टार्ट, ही वुड वांट टू कन्वर्ट दैट। जॉस बटलर अगर फिट हो जाते हैं, ही विल कम बैक। सो लिटरली पावर हाउसेज हैं, 2 टीम्स पावर हाउसेज हैं, एंड इट विल कम डाउन टू द टॉस, क्योंकि ड्यू यहाँ पे भी आती है, सो इट विल कम डाउन। लेकिन जैसे चेन्नई ने भी दिखाया मुंबई के अगेंस्ट, अगर आप पहले बहुत रन बना लें और आपके पास अच्छी बॉलिंग है जो राजस्थान के पास है, तो फिर मुकाबला ऐसा नहीं है कि ड्यू आए तो गारंटीड है कि चेजिंग टीम में जीतना है। मेरे लिए फेवरेट्स इस मुकाबले में
बाय द बेरेस्ट ऑफ मार्जिन्स कोलकाता है, क्योंकि अब मिचेल स्टार्क भी अच्छा दिख रहे हैं और बैटिंग में डेप्थ भी राजस्थान से ज्यादा है. सो कोलकाता आर मार्जिनली फेवरेट्स. 55-45 का मार्जिन दे रहा हूं मैं कोलकाता को. आपकी क्या राय है आप मेरे को नीचे बता दो, अपना मार्जिन बता दो. चलो अभी वीडियो का टाइम हो गया खत्म, लेकिन आपको लिए फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां पे जाइएगा, अपनी डिटेल्स को भरिएगा और भूलना मत बॉस की टर्म इंश्योरेंस सही मायने में प्योर इंश्योरेंस है आपके परिवार के कल के लिए, जो कि सबसे जरूरी है और सबसे सिंपल भी. तो पॉलिसी बाजार डिटेल्स मैंने काफ़ी बताई हैं, बाकी आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में. तो देरी मत कीजिए, वहाँ पे जाइए, अपने परिवार के लिए अच्छा सिक्योर फ्यूचर जो आपके हाथ में है, जो आपको सूट करता है, उसको और पुख्ता करिए. एंड आई विल सी यू वेरी सून फ्रॉम द स्टूडियो.